Dear students, Assalamu alaikum. Today is 1st June 2020, Monday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the exercises of present perfect tense. My lecture is for 9th P1, N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine and enjoyed your Eid and vacations very well. So now welcome back to school and online classes. If you have any problem in queries about the previous lectures and diary, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from grammar and composition and completed the exercises of present, past and future, indefinite and continuous. Today we will do present perfect tense and do its exercises. Before starting present perfect tense, we will overview our previous lecture. In the previous lecture, we learnt about tense, what is meant by tense and how many tenses are there. There are three tenses, present, past and future. Present means maujooda ya haal, past means maazi ya guzra hua waqt and future means mustaqbil ya aane wala waqt. Tenses means zamane. Tense means time, zamana ya waqt. We discussed different aspects of present, past and future in the previous lecture. If we focused on present tense, then there are four aspects: simple present tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. Today we will discuss briefly perfect tense and move to present perfect tense. If we talk about perfect tense verbs, then there are three types of perfect tense verbs: present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense. Perfect means mukammal. Tense means zamana, present means hal. In this tense, we use the helping verb of has and have with third form of verb. First of all, class 9 P1 N1 boys and girls, open your grammar and composition book at page 80. If we talk about its use, then we see that when we use the present perfect, यानी कि हम कब जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, वी सी थिंग्स द पास्ट, हम जब जो है वो माजी में कोई काम, कोई चीज़ें, कोई भी एक्शंस जो हैं वो देखते हैं, बट हैविंग अ रिज़ल्ट इन द प्रेजेंट, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमें कब नज़र आते हैं, प्रेजेंट में. यानी काम जो कि शुरू हुआ था माजी में, वो अब मुकम्मल हो जाता है जब प्रेजेंट में, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं. जैसे कि उसके नाम से भी आपको पता चल रहा है कि प्रेजेंट हाल और परफेक्ट मुकम्मल, यानी कि वो काम जो कि हाल में यानी मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो चुका हो, अपना कंप्लीट कर चुका हो, उसे हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं. जैसे कि आई हैव बॉट सम प्रेजेंट्स, जैसे कि अगर माजी में वो कुछ तहाइफ़ खरीद रही थी, तो वो काम मुकम्मल हो चुका है, वो तहाइफ़ ख़रीद चुकी है. आई हैव बॉट सम प्रेजेंट्स, मैं कुछ तहाइफ़ जो है वो ख़रीद चुकी हूँ. ठीक है, यानी कंप्लीट हो गया, कंप्लीटनेस की सेंस हमें जो है वो इस सेंटेंस में नज़र आ रही है. लेकिन वो काम चूँकि माजी में शुरू हुआ था, अब मुकम्मल हुआ है वो. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द एक्शन इज़ कम्प्लीट और हैज़ एंडेड एंड हेंस टर्म्ड परफेक्ट. द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द एक्शन हैपेंड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. यानी कि जैसा कि अभी हमने बात की है कि माजी में वो चूँकि काम चाहे शुरू हुआ था, कब वो एक्शन जो है वो हैपेंड हुआ है, ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं है. बल्कि क्या बात इम्पॉर्टेंट है कि द एक्शन इज़ कम्प्लीट, कि काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है और हैज़ एंडेड और ख़त्म हो चुका है, एंड हैज़ हैंस टर्म्ड परफेक्ट. इस वजह से इसको हमने क्या टर्म इसके लिए यूज़ किया है, परफेक्ट की. और प्रेजेंट में चूँकि ये हुआ है, तो इस वजह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा. द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द एक्शन हैपन्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड हैंस इट इज़ नॉट मैंशनड इन दिस टेंस. इस वजह से यानी कि वो जो माजी का जिक्र है वो इस टेंस में नहीं किया जाता. ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, आई होप वो आपको समझ आ गया होगा कि परफेक्ट यानी कि परफेक्ट का मतलब ही जो है वो हम आम जुबान में भी मुकम्मल लेते हैं. यानी कोई भी चीज़ हमने कहनी हो कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, मुकम्मल है बिल्कुल, ठीक है, तो हम कहते हैं कि परफेक्ट. तो इसी तरह से जब कोई काम मुकम्मल हो जाने की हमें, कंप्लीट हो जाने की सेंस नज़र आती है जहाँ पे, तो वहाँ पे हम जो है वो परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं. और मौजूदा ज़माने में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसे हम बोलते हैं. इसकी जो है वो जो डिफरेंट
हैज़ और हैव हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पास सब्जेक्ट क्या है. इसी तरह से इसका जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बाकी का जो पार्ट है सेंटेंस का वो हम उसके साथ लगा देते हैं किसी भी सेंटेंस में. ठीक है, तो इस पर हम बाद में बात करते हैं कि आई के साथ क्या यूज़ होता है और यू के साथ, ही के साथ, शी के साथ, यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो हम क्या यूज़ करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर जैसे कि अभी हमने देखा उसमें एग्जांपल देखें, जैसे सब्जेक्ट हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगानी होती है आपको पता है. तो सब्जेक्ट अगर हमारे पास है शी तो हम जो है वो शी के साथ हैज़ लगा रहे हैं, फिर हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी राइट की थर्ड फॉर्म रिटन लगा रहे हैं और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बाकी का जो सेंटेंस का पार्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है, इसमें अगर हम जो है वो नेगेटिव जो है वो सेंटेंसेस को देखें और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको देखें तो उनके स्ट्रक्चर भी जैसे कि हम पहले इंडेफिनेट और कंटिन्यूस करते रहे हैं तो आपको आइडिया है कुछ उसमें कि हम नॉट का यूज़ करते हैं और हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं. तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इमेज में कि पॉजिटिव आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ, यानी अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे सादा फिक्रे, मुस्बत फिक्रे जिन्हें हम कहते हैं, उसमें हमारा जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं आपको पता है, फिर उसके बाद हम अगर कोई उस सेंटेंस में उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होना हो तो हम तब उसको हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म या जो भी फॉर्म उसमें यूज़ हो रही हो वो लगा देते हैं. क्योंकि इसमें हमें शुरू में ही हमने देखा कि इसमें हमने जो है वो हेल्पिंग वर्ब ज़रूर इस्तेमाल करना है, हैज़ और हैव दोनों हैं, लेकिन सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है हम उसके साथ रिलेटेड लगाते हैं. आपको मैं बताती जाऊँ कि हम जो आए जितने भी सिंगुलर थर्ड पर्सन हैं उनका ग्रुप मैंने जैसा कि आपको बताया था सिंगुलर थर्ड पर्सन का कि ही शी इट और एनी सिंगुलर जो नेम है उसके साथ हमने हैज़ लगाना है, यानी जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में याद रखा था कि डू किसके साथ लगाना है और डज किसके साथ लगाना है. तो आपको मैंने बताया था कि डज जो है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ लगता है, ई एस या एस का इजाफा जो हम करते हैं वर्ब के साथ. इसी तरह से हम यहाँ पे याद रखेंगे, आप अपने जहन में बिठा लें अच्छी तरह के जो सिंगुलर थर्ड पर्सन वाला ग्रुप है वो कौन सा है. ठीक है, ही शी इट और कोई भी नाम जो सिंगल होगा उसके साथ हम लगाएंगे हैज़. ठीक है, अपने पास रफ नोटबुक जो या जो भी नोटबुक आपने पकड़ी होती है उसके ऊपर जो है वो लिखते जाया करें और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आई आ जाता है, वी, यू आ जाता है, दे या कोई भी प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा आपका, जैसे दो नाम होंगे उनके साथ हम जो है वो हैव का इस्तेमाल करेंगे. फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. इस तरह से अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस हैं यानी मनफी फिकरात हैं तो हम सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम जो है वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज़ कर रहे हैं हैज़ या हैव उसके साथ नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी का सेंटेंस का पार्ट कंप्लीट करेंगे. अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं यानी सवालिया फिक्रे हैं जो हमारे पास, तो आपको पता है कि सवालिया फिक्रों में कोई भी जो हमारा चाहे टेंस हो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं. जैसा इसमें हम जो है वो हैज़ और हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा, हैज़ एंड हैव. ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली बार बार ये बात बता रही हूँ इसलिए ताकि आपको याद रहे कि दोनों ही हमने यूज़ नहीं करने बल्कि इनमें से कोई सा एक करना है और वो डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है. ये याद रखने का बहुत आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि ही शी इट एनी सिंगुलर नेम, ही शी इट एनी सिंगुलर नेम, इसको दो तीन दफ़ा रिपीट करें इस ग्रुप को और अपने जहन में इनको अच्छी तरह से बिठा लें. ठीक है, इस ग्रुप को आप जो है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन वाला ग्रुप जो है वो याद रख सकते हैं, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे और बाकी का सेंटेंस का पार्ट कंप्लीट करेंगे और फिर एंड पे आप जो है वो क्वेश्चन मार्क. ठीक हो गया, इसको अपनी नोटबुक पे करने का तरीका भी आपको पता है. आई होप ईद में जो है वो आप ये सारे काम भूल नहीं गए होंगे. फिर भी दोबारा से आपको बता देती हूँ कि आपने नोटबुक जो रेडी करनी है अपने जो समर वेकेशन होमवर्क वाली जो नोटबुक जिस पे आप काम कर रहे हैं उसमें आपने सबसे पहले जो है वो मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, डेट मेंशन करनी है, आज की 1 जून है आज. ठीक है, ये चूँकि आपका सेकंड टर्म का सिलेबस शुरू हो चुका है तो आप कोशिश करें कि आप जो है वो कोई और नोटबुक यानी कि यूज़ कर लें, जो एक नोटबुक आपकी कंप्लीट हो चुकी है या ख़त्म होने को है उसको एक तरफ रहने दें और अब नई वाली नोटबुक यूज़ करें या रजिस्टर यूज़ करें जो कि आपका सेकेंड टर्म का होगा. ठीक है, फोल्डर बना लें
सबसे पहले अपने पेज पे सेकंड टर्म जो है सिलेबस, उसमें आज से हमने ये अपना काम शुरू किया है प्रॉपरली। बाकी आई होप आपको इन्फॉर्म कर दिया होगा कि आपको समर पैक उस हवाले से सेकंड टर्म के हवाले से मिल जाएगा, ठीक है। और तब हम जो है वो अपना टेक्स्ट बुक का भी काम शुरू करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने जो है वो अपना जो है वो शुरू किया है टेंसेस वाला काम, टेंसेस वाला पोर्शन। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि नोटबुक आपने बेटा कैसे रेडी करनी है। सेकंड टर्म वाला फोल्डर आपने बना लिया है, ठीक है। उसके बाद आप टेंसेस वाला फोल्डर बना रहे हैं या ग्रामर वाला फोल्डर बना रहे हैं और पेज रेडी कर रहे हैं आप, आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ कर ली है और डेट मेंशन कर ली है, ठीक है। उसके बाद आप इस तरह से हेडिंग लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने उसका जो इंट्रो लिखना है, आपको मैं स्लाइड दोबारा से दिखा देती हूँ कि आपने ये डेफिनेशन उसकी जो है वो लिखनी है। डेफिनेशन तो नहीं इसे हम कहेंगे, इंट्रो ही कहेंगे कि कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, यूजेज इसका जो लिखेंगे, ठीक है। इस तरह इंग्लिश में ये लिखने के बाद कि इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द एक्शन इज़ कम्प्लीट और हैज़ एंडेड, ठीक है। ये लिखने के बाद आप इस तरह से टेबल बना सकते हैं। अगर नहीं टेबल बनाना तो सिंपली लिख लें कि आपने जो है वो हैज़ सिर्फ सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल करना है। फिर ये जो स्ट्रक्चर जो मैं आपको दिखाती होती हूँ सेपरेटली, सारे मुस्बत फिक्रों के, मनफी फिक्रों के, सवालिया फिक्रों के, ये ज़रूर इस तरह से लिखा करें जिस तरह से एज सच आपको स्लाइड में लिखे हुए नज़र आते हैं, ठीक हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल लिखनी है तो लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। बाकी आप उर्दू में फिर उसके बाद इसको लिखना शुरू करेंगे कि इनकी पहचान, कि ऐसे जुमले जिनके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हों वगैरह आए, या जिनके आखिरी लफ्ज़ अलिफ़ छोटिए बड़िए हो, तो उसे जुमला फेल हाल मुकम्मल कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप जैसे इसकी एग्जांपल देख लें कि मैंने खत लिख लिया है, बस आप इसको यूँ याद रखें कि जहाँ पे काम के कंप्लीट हो जाने की सेंस हमें नज़र आए, वो वाले जो फिक्रे हैं वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है इसको याद रखने का। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाता है, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन सा टेंस है, अब इसको ट्रांसलेट करना है हमने। तो ऐसे फिकरात का तर्जुमा करने के लिए फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ही शी इट के साथ हैज़ और सिंगुलर नाम भी, ये भी याद रखना है। कोई भी सिंगुलर नाम आ जाता है लाइक असलम, अली वगैरह, तो उसके साथ, और बाकी तमाम सीगों यानी आई वी दे यू के साथ हैव लगाते हैं। आप इसका टेबल भी बना के अपने पास जो है वो नोटबुक में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लें कि मैंने खत लिख लिया है तो आई हैव, सबसे पहले आए मैं का तर्जुमा हमने किया, आपको बताया जैसे कि आए के साथ हैव लगाना है, तो उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमने लिख लेना है। फिर उसके बाद मनफी फिक्रे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाने से फिक्रा मनफी बन जाता है। मसलन मुर्गी ने अंडा नहीं दिया है, द हैन हैज़ नॉट लेड एन एग, ठीक है। यानी कि हमने हैज़ या हैव जो भी लगाया है उसके बाद हमने नॉट लगा लेना है, बाकी का सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता ही है। सवालिया फिक्रे हैं अगर, तो सवालिया फिक्रे की सूरत में हैज़ या हैव को फाइल से पहले लगा देते हैं, ठीक है। फाइल से पहले लगा देते हैं यानी सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, जैसे क्या तुमने मेरी साइकिल वापस कर दी है, हैव यू है तुम है, तो यू से पहले हमने हैव लगाया, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लगाना है, आप ये गलती मोस्टली स्टूडेंट्स कर देते हैं, हैज़ और हैव कहाँ पर लगाना है, ठीक है। रिटर्न माई बाईसाइकिल, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगानी है और एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क खास तौर पर याद रखना है। फिर इसी तरह से जो लिखा हुआ यहाँ ब्रैकेट में नज़र आ रहा है, तुम इतनी देर से क्यों आए हो, बड़ा सवाल या फिकरा, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं आपके सेंटेंसेस में, क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है, इस तरह के लफ्ज़ अगर आ जाते हैं तो आपको मैंने शुरू में ये बात बताई हुई है, समझाई हुई है कि चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसका इनडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, सादा फिक्रे हैं यूजेस वाले, ठीक है। यानी कोई से भी हैं, आपने वहाँ पे सबसे पहले जो लफ्ज़ ट्रांसलेट करना है वो आपका क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड करने के बाद आप जो है वो बाकी जो आपका सादा सवाल या फिक्रा होता है उसी के स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेते हैं। जैसे तुम इतनी देर से क्यों आए हो, वाई, क्यों यहाँ पे आ गया, तो हमें पता चल गया कि ये एक बड़ा सवालिया फिकरा है। तो इसमें हम सबसे पहले क्यों को अब ट्रांसलेट करेंगे, वाई हमने लिख लिया, वाई। फिर उसके बाद आपको पता था यू है तो यू के साथ हैव आना है, हैव को हम शुरू में ले आए, यू कम सो लेट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। जब आप स्ट्रक्चर लिख लेते हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं स्लाइड में अपने पास, स्ट्रक्चर हर एक टेंस का जब आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है किसी भी तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। अच्छा, ज़रूरी नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाज़ औक़ात बच्चे पास्ट इंडेफिनेट को
प्रेजेंट परफेक्ट समझ लेते हैं और इस तरह का तर्जुमा गलत करते हैं. जैसे मैंने ये फिल्म पिछले इतवार देखी है, तो इसमें आई हैव सीन दिस फिल्म लास्ट संडे, ये तर्जुमा गलत है. आई सॉ दिस फिल्म लास्ट संडे. आपको कैसे पता चले? जैसे हमने पहचान में देखा कि इसके आखिर पे भी छोटिए बड़िए जो है वो आ जाता है और उसके आखिर पे भी जो है वो छोटिए बड़िए आ जाता है या अलिफ वगैरह आ जाता है. चुका चुकी चुके आ गया, फिर तो हमने कन्फर्म पहचान लिया कि ये जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि चुका चुकी और चुके परफेक्ट की पहचान है और हैं जो है वो आपको पता है प्रेजेंट की पहचान है. ठीक है, तो जब चुका है, चुकी है, चुके हैं आ गया, तो आपको अंडरस्टूड है कि ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. अगर अलिफ छोटी है बड़ी आ जाता है तो आपने उस सेंटेंस में देखना है कि क्या ये वाकई ही पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट परफेक्ट है. ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि अगर इस वो पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो उसमें वक्त दिया हुआ होगा. ठीक है, और अगर वक्त जो है वो मोस्टली यहाँ पे दिया हुआ होगा तो आप उसको आसानी से पहचान लेंगे. वैसे इस तरह के सेंटेंसेस बहुत कम आते हैं, सादा से फिक्रे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड, जो कि आपकी बुक में से ही आते हैं. अच्छा जी, आपकी बुक पे पेज जैसा कि मैंने आपको बताया था 80 है. ठीक है, किसी की बुक पे 81 भी हो सकता है. एक्सरसाइजेस इसकी टोटल हैं 3, और आपको पता है कि ये सारा इंट्रो लिखने के बाद, हेडिंग देने के बाद, उसकी इंग्लिश में पहचान या यूजेज लिखने के बाद, स्ट्रक्चर लिखने के बाद, आपने उर्दू में सारा कुछ जो ब्रीफली लिख लिया, तो उसके बाद आपने जो है वो अब इसकी एक्सरसाइजेज को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है. सभी स्टूडेंट्स ने करना है, इसकी इंग्लिश भी लिखनी है, उर्दू भी लिखनी है, तीनों ही एक्सरसाइजेज अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखनी है. पहला सेंटेंस है हमारा, क्लॉक 4 बजा चुका है. ठीक है, क्लॉक क्लॉक हैज़ आएगा इसके साथ. आपको पता है ये सिंगुलर नाउन है, तो हैज़ आया इसके साथ. वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? थर्ड. ठीक है, स्ट्राइक तो उसकी स्ट्रक फॉर्म है. 4 बजा चुका है. उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं. द कैंडिडेट्स हैव सॉल्व द पेपर. मेहमान खसूसी इनाम तकसीम कर चुका है. द चीफ गेस्ट हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस. प्रिंसिपल ने तलबा को असनाद दे दी हैं. द प्रिंसिपल हैज़ गिवन अवे द सर्टिफिकेट्स टू द स्टूडेंट्स. टीमें मैच खेल चुकी हैं. द टीम्स हैव प्लेड द मैच. अदालत मेरे हक में फैसला दे चुकी है. द कोर्ट हैज़ डिसाइडेड इन माई फेवर. बोर्ड ने नतीजे का ऐलान कर दिया है. द बोर्ड हैज़ डिक्लेयर्ड द रिजल्ट. चोर घर में नकब लगा चुके हैं. द थीव्स हैव ब्रोकन इनटू द हाउस. मैं ये तस्वीर बेच चुका हूँ. आई हैव सोल्ड दिस पिक्चर. नसीमा ने इम्तिहान पास कर लिया है. नसीमा हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन. फिर उसके बाद है बशीर वजीफ़ा हासिल कर चुका है. बशीर हैज़ वन स्कॉलरशिप. तमाम परिंदे उड़ चुके हैं. ऑल द बर्ड्स हैव फ्लोन अवे. हम बंदूक चला चुके हैं. वी हैव फायर्ड द गन. मैच बगैर हार जीत के ख़त्म हो चुका है. द मैच हैज़ एंडेड इन अ ड्रॉ. फौज ने किले पर कब्जा कर लिया है. द आर्मी हैज़ कैप्चर्ड द फोर्ट. अगली एक्सरसाइज देखें. इन्होंने गुमशुदा बच्चे की तलाश नहीं की है. यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है. तो जैसा कि स्ट्रक्चर में हमने देखा था, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और फिर नॉट का यूज़ हम करते हैं. लाइक दे हैव नॉट. फिर थर्ड फॉर्म सर्च्ड फॉर द लॉस्ट चाइल्ड. समझ आ गई है. फिर उसके बाद है आपने मेरी दरख्वास्त मंजूर नहीं की है. यू हैव नॉट एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन. अदालत ने मुलजम की दरख्वास्त पे गौर नहीं किया है. द कोर्ट हैज़ नॉट कंसीडर्ड द पटिशन ऑफ द अक्यूज्ड. इसने अपनी बीवी पर एतमाद नहीं किया है. ही हैज़ नॉट ट्रस्टेड इन हिज वाइफ. चौकीदार अपना फ़र्ज अदा नहीं कर चुका है. द वॉचमैन हैज़ नॉट डन हिज ड्यूटी. तमाम मेहमान नहीं आ चुके हैं. ऑल द गेस्ट हैव नॉट अराइव्ड. खिलाड़ियों को सर्द मशरूब नहीं दिए गए हैं. द प्लेयर्स हैव नॉट सर्व्ड विद कोल्ड ड्रिंक्स. कामयाब उम्मीदवारों को असनाद नहीं दी गई हैं. द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैव नॉट बीन अवॉर्डेड सर्टिफिकेट्स. अच्छे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई नहीं की गई है. गुड प्लेयर्स हैव नॉट बीन इनकरेज्ड. हमारे दोस्त ने हमसे मशवरा नहीं लिया है. आर फ्रेंड हैज़ नॉट कंसल्टेड अस. सिपाही ने अफसर का हुक्म नहीं माना है. द सोल्जर हैज़ नॉट ओबेड हिज ऑफिसर. दुश्मन ने हथियार नहीं डाले हैं. द एनिमी हैज़ नॉट लेड डाउन द आर्म्स. हमारी फौज ने पसपाई इख्तियार नहीं की है. आर आर्मी हैज़ नॉट रिट्रीटेड. मेरे दोस्तों ने मुझे चाय नहीं दी है. माई फ्रेंड्स हैव नॉट गिवन मी टी. पुलिस ने इसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा है. द पुलिस हैव नॉट कॉट हिम रेड हैंडेड. लास्ट एक्सरसाइज है. इसमें आप देखें आपका इंट्रो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है,
क्या तुम बाजी जीत चुके हो। इसमें आपने जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि सबसे पहले हमने जो है वो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है हैव, फिर है यू, कैरीड द डे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। क्या तुम्हारे साथी भाग चुके हैं, हैव योर कंपेनियंस रन अवे, डाकुओं ने अमीर आदमी को कहाँ लूटा। यहाँ पे आ गया है आपका बेटा जो क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, तो आप सबसे पहले उसको ट्रांसलेट करेंगे वेयर, फिर आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वेयर हैव द डेकोएट्स लूटेड द रिच मैन, या रॉबर्स भी लिख सकते हैं। आपने मेरे लिए टिकट क्यों ख़रीदा है, वाई हैव यू बॉट अ टिकट फॉर मी, इस बच्चे को किसने बिगाड़ा है, हु हैज़ स्पॉइल्ड दिस चाइल्ड। आपको पता है आपने पंक्चुएशन मार्क का ख्याल रखना होता है, अदरवाइज आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। वो छत से कैसे गिरा, हाउ हैज़ ही फॉलन फ्रॉम द रूफ, क्या असलम की खोई हुई रकम वापस मिल गई है, हैज़ असलम रिकवर्ड हिज लॉस्ट मनी, पुलिस मकान में क्यों दाखिल हुई है, वाई हैव द पुलिस एंटर्ड द हाउस, क्या झील में पानी जम चुका है, वाई हैव द पुलिस एंटर्ड द हाउस, हैज़ वाटर फ्रोजन इन द लेक, तुमने इस्तीफा क्यों दे दिया है, वाई हैव यू रिजाइंड, क्या उसने बंदूक भर ली है, हैज़ ही लोडेड द गन, आपने रुपया कहाँ रखा है, वेयर हैव यू केप्ट मनी, क्या उसने गाँव हमेशा के लिए छोड़ दिया है, हैज़ ही लेफ्ट द विलेज फॉर एवर, क्या हमने अपना दावा साबित कर दिया है, हैव वी प्रूव्ड आर क्लेम। आपको पता है आपने इनको अपनी नोटबुक में लिखना है तीनों एक्सरसाइज की, इनकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। आपको जो मैंने टेस्ट डायरी दी थी ईद से पहले, ठीक है, उसको आपको पता है कि ट्यूसडे को आपका जो टेस्ट डे होता है उसमें इंक्लूडेड है। फिलहाल जो है वो आप अपना वही टेस्ट प्रिपेयर करेंगे, कल आपका वही टेस्ट होगा, आज वाली एक्सरसाइज इंक्लूड हम नहीं करेंगे, ये हम सैटरडे में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। यानी परफेक्ट से ऑनवर्ड हम अपना अगले टेस्ट में शामिल करेंगे। भी आप जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो आप जो है वो कल के लिए ट्यूसडे की जो आपने की भी होगी, यकीनन ईद इंजॉय करने के साथ साथ पढ़ा भी होगा जो इतने दिन आपके पास थे, ठीक है। तो आपने बेटा वही टेस्ट तैयार करना है अपना, इंडेफिनेट कंटिन्यूस प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की जितनी भी एक्सरसाइजेस हमने की थी वो सारी की सारी आपने उन छह एस्पेक्ट्स की तैयार करनी है, ठीक है। और जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब वाले एमसीक्यूज मैंने आपको दिए थे, आई होप आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा, ठीक है। और उसका जो है वो उसको हम टेस्ट में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाएंगे, ठीक है। कल मैं आपको जो है वो बताऊंगी, उसके कुछ डिस्कशन करेंगे उस हवाले से जितने कुछ एमसीक्यूज़ की, और फिर जो है वो उन्हीं एमसीक्यूज़ को हम कल वाले टेस्ट में शामिल कर लेंगे, ठीक हो गया। बाकी जो आज की डायरी है वो आपको पता है कि आपने ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज की हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जिनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना भी है, और जो वर्ब एमसीक्यूज थे उनकी रिवीजन करनी है। उसके हवाले से अगर कोई भी एमसीक्यू आपसे सॉल्व नहीं हुआ था या समझ नहीं आई थी तो उसको ज़रूर मुझसे पूछें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपका एमसीक्यूज का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एनुअल पेपर में, 5 नंबर का वो जो है वो पोर्शन आता है। और ये जो रिसेंट हम जो है वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ये भी आपको पता है कि आपके पेपर में 5 नंबर के ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 आता है, ठीक है। तो इसलिए इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। कोई बात है जो आपकी प्रीवियस डायरीज थी, फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस था उस हवाले से कोई बात पूछने वाली है तो वो भी आप मुझसे ज़रूर पूछ लें, ठीक है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से अब अपने सेकेंड टर्म की तरफ मूव कर सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें।